नमस्कार दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज तकरीबन एक महीने से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी अपने इस चैनल पे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग मोस्ट फेमस प्लेसेस, सोलापुर के सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध जगहों को हम लोग जाके विजिट करें, आप लोगों के लिए अच्छा सा ब्लॉग बनाएं। सोलापुर की मस्ट विजिट प्लेसेस को आज हम लोग देखने वाले हैं, लेट्स गो। चलो हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, दिस इज फ्लो व्लॉग्स एंड माय नेम इज संकल्प पारे एंड यू आर वाचिंग द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन सोलापुर पार्ट 1। एंड कैन यू गेस व्हाट इज द फर्स्ट प्लेस वी आर विजिटिंग? तो ये है सोलापुर का सबसे ज्यादा फेमस श्री सिद्धेश्वर मंदिर। सो चलिए अभी अंदर चलते हैं, बट उससे पहले यहाँ पे अपने जो शूज़ वगैरह है, फुटवेयर है, वो यहाँ पे अपने को सबमिट करने हैं। चलो एक दो ना। सो चलिए लेट्स एंटर दिस प्लेस। सो एक और चीज़ जो ये है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ या फिर ये जो वीडियोस मैं बनाऊँगा, इसका पर्पस क्या है? सो द थिंग इज़ कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सारी हिस्ट्री है, हम सब धीरे धीरे वो भूल रहे हैं। जो हमें नहीं भूलनी चाहिए उसका बहुत ज़्यादा महत्व है अपनी ज़िंदगी में, ये हमें याद रखना है। इतना दिल के करीब वाली ये चीज़ है, इसकी एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है, वो मैं ऑब्वियसली शेयर करने वाला हूँ, बिकॉज बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है। बींग फ्रॉम सोलापुर, बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है, ये स्टोरी नहीं पता है। सो द थिंग इज़ कि जो सोलापुर का सबसे बड़ा फेस्टिवल जो होता है वो है गड्डा यात्रा, जहाँ पे लाखों के अमाउंट में लोग आते हैं, राइट? लाखों लोग आते हैं, हर साल लाखों लोग आते हैं यहाँ पे फॉर दैट फेस्टिवल, विच इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल इन सोलापुर। और उस फेस्टिवल का नाम है गड्डा यात्रा। सिद्धेश्वर महाराज की जो गड्डा यात्रा होती है वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। तो उसके बारे में भी, उसकी जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले चलते हैं मंदिर देखते हैं, बिकॉज मैं आप सबको बोर नहीं करना चाहता हूँ अभी, अगर आप बोर हो तो। तो ये हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो ये श्री सिद्धरामेश्वर जी की, यानी कि श्री सिद्धेश्वर जी की समाधि है। सो यहाँ पे आप समाधि के अराउंड प्रदक्षिणा भी डाल सकते हो। एंड ओवरऑल मंदिर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बट आई वॉज हियर जस्ट टू विजिट द प्लेस, बिकॉज पूरी प्लेस के बारे में मुझे भी इतना नॉलेज है नहीं, बिकॉज मैं जो भी आज के वीडियो में जो स्टोरी में मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैंने अच्छे से सुनी, और बस मैं मेरे को लगा ऐसे कि वो स्टोरी मेरे को आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, बिकॉज सी मैं कोई बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन है नहीं मेरे पास पूरे मंदिर के रिलेटेड। सो गाइस, ये मंदिर का इस वाले साइड पे आ गए हम लोग, मतलब वहाँ पे जो है वो समाधि, और वहाँ से यहाँ पे हम लोग आए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिकॉज कुछ नया प्लान्स के तहत, जिसके बारे में एज मैंने बोला कि मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। सो चलिए, अगर अंदर चल सकते हो तो चलता, अंदर जाके मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बिकॉज अंदर यहाँ पे आप जैसे पढ़ सकते हो कि फोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं है लेना, तो हम लोग नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोग अच्छे बच्चे हैं, हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं, करना चाहिए रूल्स फॉलो, है ना? चलो फिर। तो गाइस, जैसा मैंने आज सोचा था वैसे मेरे प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं जा रहा है, मैं इतना अंधेरा नहीं चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लेट हो गया थोड़ा सा आने में। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक साथ मेरे ऊपर आके गिर चुकी है, जैसे कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज ख़त्म हो गया, मेरे फ़ोन में बैटरी 16% है, और दूसरा टाइम देखो 7:21 हो रहा है और बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, और मुझे जो अच्छे से रिकॉर्ड करना था और थोड़ा सा मुझे रिकॉर्ड करना था मेरा बचा हुआ पार्ट, वो अभी मैं कल सुबह करूँगा, आपके लिए एक ही वीडियो में होगा, बट अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कल वापस मिलते हैं, चलो बाय।
सो गाइस वेलकम बैक अगेन। और अभी मैंने आपको मंदिर को पूरा दिखा दिया है। सो नाउ जो बचा हुआ पार्ट है, जो मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहता था, वो अभी मैं आपको बाहर जाकर बताता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो जो इतिहास बोलने वाला था, यानी कि जो हिस्ट्री मैं आप सबको जो बोलने वाला था, वो इस हिस्ट्री है सोलापुर के सबसे बड़े फेस्टिवल की, जो आई गेस सोलापुर में 900 वर्षों से मनाया जाता है। तो ऐसे इतने बड़े फेस्टिवल की स्टोरी मुझे लगता है आप सबको जानने में इंटरेस्ट ज़रूर होगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मिलते हैं। तो दोस्तों, जो इतिहास जो है, मतलब जिस कारण से जो सिद्धेश्वर गड्ढा यात्रा मनाई जाती है, वो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ। तो ऐसा कहा जाता है, जब श्री सिद्धेश्वर महाराज ध्यान करने के लिए बैठते थे, यानी कि मेडिटेशन के लिए बैठते थे, तब जब भी वो मेडिटेशन करने के बाद, पूजा करने के बाद जब भी वो उठते थे, तो वो अपने आसपास बहुत ज़्यादा स्वच्छता महसूस करते थे, बहुत ज़्यादा पवित्रता महसूस करते थे, और हमेशा उन्हें बहुत प्रसन्न महसूस होता था। जब भी वो अपनी ध्यान अवस्था से उठते थे, तब उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता था अपने अराउंड देख के। तो एक दिन उन्होंने जानना चाहा कि कौन है जो ये सब स्वच्छता कर रहा है और मुझे इतनी प्रसन्नता दे रहा है। तो जब उन्हें पता चला कि ये जो कुंभार कन्या थी, वो सब ये स्वच्छता कर रही थी, तो उन्होंने जाके उससे पूछा कि बेटा, तुम क्या चाहती हो, क्या चाहती हो, मांगो जो तुम्हें मांगना है। तो फिर उस कुंभार कन्या ने श्री सिद्धेश्वर महाराज जी से शादी करने की मांग रखी, जिसे श्री सिद्धेश्वर महाराज नहीं स्वीकार सके, बिकॉज वो एक ब्रह्मचारी थी। पर अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने योगदंड के साथ उस कुंभार कन्या को शादी करने की अनुमति दे दी। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, जहाँ पे वो शादी संपन्न हुई, जहाँ वो विवाह संपन्न हुआ, वो यही स्थान है। आइए थोड़ा करीब से देखते हैं। तो इस जगह को सन्मति कट्टा कहा जाता है, जिसे यही वो एग्जैक्ट जगह थी जहाँ पे श्री सिद्धेश्वर महाराज के योगदंड का और कुंभार कन्या की जो विवाह संपन्न हुआ, वो यहीं पे हुआ था, और खुद श्री सिद्धेश्वर महाराज की उपस्थिति में ये विवाह संपन्न हुआ था। एक और चीज, ये मेरी बचपन से थर्ड स्टैंडर्ड तक, सेकंड स्टैंडर्ड तक मैं स्कूल में पढ़ा हूँ, ये सिद्धेश्वर स्कूल है, मतलब मेरी स्कूल है बचपन। काफ़ी मेमरीज जुड़ी रहती है ना हमारे स्कूल के साथ, जो बचपन में जब हम देखते हैं तो अलग सा ही नॉस्टैल्जिक फील होता है। तो चलो चलते हैं। परंतु दोस्तों, श्री सिद्धेश्वर महाराज ने उस कुंभार कन्या से, उस योगदंड का विवाह करने से पूर्व एक शर्त रखी थी कि अगर तुम इस योगदंड से विवाह करना चाहती हो, तो विवाह संपन्न होते ही तुम्हें सती को प्राप्त होना होगा। और हम एग्जैक्टली वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे कुंभार कन्या ने सती ली थी। और ये होमकुंड होम मैदान पर स्थित है, जो एक बहुत ही सोलापुर का सुंदर मैदान है। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो आप सबको बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। और चलो गाइज, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन में अगर कुछ गलती लगे या फिर कुछ गलत मैंने कह दिया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बिकॉज मैंने कुछ भी इंटेंशनली किसी को हर्ट करने के लिए नहीं ये वीडियो बनाई है, और ना ही मैं किसी को दुख पहुँचाना चाहता था। बस मेरा इतना ही इच्छा थी मेरी इस वीडियो को बनाने के पीछे, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोलापुर का इतिहास पता चले, सोलापुर के बारे में पता चले, और वही बस मेरा मोटो था, वही बस मेरा इंटेंशन था इस वीडियो को बनाने के पीछे। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो प्लीज़ ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो शेयर करने लायक है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, और चैनल को नीचे लाल कलर का बटन है वहाँ पे एक सब्सक्राइब करके वो भी दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको मेरे चैनल पे अगर कोई नई वीडियो आती है, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। ये पूरी वीडियो बनाने में मेरे भाई ने, समर्थ ने बहुत मदद करी है मेरी, बिकॉज मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं कर पाता था, बिकॉज जो अच्छे अच्छे शॉट्स इसने लिए, जो मेरा ह्यूमन ट्राइपॉड बनके मेरा भाई था, इसके बिना ये वीडियो पॉसिबल नहीं थी। तो थैंक यू सो मच मेरे भाई को, और इसका भी चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसने भी ऐसी एक वीडियो बनाई है, प्लीज जाके देखना। और गाइस, एक छोटी सी बात, इसके बिहाइंड द सीन्स मेरे चैनल पे आने वाले हैं, तो इसके ब्लॉग के बाद वो जल्दी आ जाएंगे 2-3 दिन में, तो प्लीज उसके लिए स्टे ट्यून। अबे 2:30 हो रहे हैं, बहुत ज्यादा धूप है भाई। सो गाइस, ऐसा है कि अभी दोपहर के 2:30 हो रहे हैं, और इसी कारण से मैदान पे सारे दरवाजे बंद है, तो हम लोग यहाँ से चढ़ के आए थे आते भी, और जाते भी वैसे ही जा रहे हैं, सोचा थोड़ा सा ब्लॉग में भी दिखाई दे।